Now uh we are wanting to know over here uh, the <coughs> the programs which are con which are helping us to convert the high level language into

कन्वर्ट एच एल एल प्रोग्राम मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में लाइन लाइन बाई लाइन बाई लाइन करता था इट चीज द कोड फॉर एरर एरर एंड ई फाउंड टू बी करेक्ट ये प्रोग्रामिंग uh, में लाइन जब पढ़ता था वहाँ पे ये रर ढूंढने की कोशिश करता था और उसको करेक्ट करता था एग्जीक्यूट द लाइन कोड एंड देन एग्जीक्यूट द करेक्ट देन एग्जीक्यूट द लाइन जब तक वो लाइन करेक्ट नहीं होगा वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करता था ठीक है इफ़ देर इज एन एरर अगर वहां पे एरर होता था द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल स्टॉप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उसी वहां पे ही वही खाने स्टॉप हो जाता उसी जगह पर स्टॉप हो जाता था द एर हैजू बी फर्स्ट रिमूव एरर को पहले रिमूव किया जाता था ই প্রথমে সরিয়ে দেওয়া হতো বিফোর দ্য এক্সিকিউশন কন্টিনিউ এক্সিকিউশন কন্টিনিউ কন্টিনিউ করার আগেই আমাদের এটাকে সরানো হতো যে ই রডটা ছিল এই রডটাকে সরানো হতো এক্সিকিউশন কন্টিনিউ করি ই রডকে হটানা পড়তা দিস ইজ রিপিটেড ফর অল দ্য স্টেটমেন্ট দিস ইজ রিপিটেড ফর অল দা স্টেটমেন্টস ইয়ে হরেক স্টেটমেন্টকে থা इंटरपिटर द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज़ नॉट स्टोरड इन द मेमोरी द ट्रांसलेटर प्रोग्राम मतलब ये जो इंटरपिटर है ये मेमोरी में लोड नहीं होता था नॉट स्टोर नहीं होता था एंड दस द प्रोसेस इज रिपीटेड इच टाइम यू रन द प्रोग्राम और जब भी हम लोगों को एक प्रोग्राम को रन करना पता पड़ता था हर एक बार इंटरपिटर को काम में लाना पड़ता था राइट right? तो हमने इन की बुझला এই ট্রান্সলেটর প্রোগ্রামটা মেশিনের মেমোরিতে থাকতো না এবং প্রত্যেকবার রান করানোর জন্য আমাদের এই ইন্টারপ্রিটারের প্রোগ্রামের দরকার পড়তো দিস ইজ অলসো রেজাল্টস ইন লেস ইউজেস অফ মেমোরি এটার জন্য तरीके से ইজি हैं कि হ্যাঁ কে মেমোরি कम কম ইউজ হতা থা ফর এক্সাম্পল বেসিক ইউজেস অ্যান बेसिक বেসিক के যে ল্যাঙ্গুয়েজ থা ও ইন্টারপ্রিটার ইউজ করতা था রাইট তো আমরা কী শিখলাম মেমোরি যেহেতু এখানে কম খেত বাংলায় বলে দিলাম মেমোরি যেহেতু এখানে কম কম নেওয়া হতো ট্রান্সলেটার প্রোগ্রাম তো মেমোরিটা খুব কম কাজে লাগতো মেমোরিটা কম লাগতো তার জন্য প্রোগ্রামটা খুব তাড়াতাড়ি এক্সিকিউট করতো অ্যান্ড অলসো লেস হ্যাঁ আর এরকম একটা এক্সাম্পল হলো বেসিক হচ্ছে একটা ইন্টারপ্রিটেড নিডেড ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজটা হলো একটা ইন্টারপ্রিটেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ Next page. In the page number fifteen, we can see compiler. Compiler is also translate a high-level program to machine la language. Compiler, ah, uh, another translator program. Compiler, uh, compiler is another translator program, high-level to machine level language. To machine level language, it translate the whole program in one go. Uh, यहाँ पर टोटल प्रोग्राम को एक साथ में ट्रांसलेट किया जाता था एंड सेव्स इन सेव्स द मशीन कोड और मशीन कोड में सेव किया जाता था इट डिस्प्ले ऑल द एरर्स एट द एंड और यहाँ इसमें कंपाइलर में, में क्या होता था जितना भी प्रोग्रामिंग में एरर था वो एट द कंपाइल होने के बाद एक साथ में दिखा दिया जाता था ऑल द एरर्स द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड वंस एररफी जो, जब जब एरर फ्री हो जाता था प्रोग्राम एरर फ्री करना करने के बाद ही एग्जीक्यूट करता था प्रोग्राम द एग्जीक्यूशन इज़ फर्स्ट एज द मशीन कोड इज सेव्ड एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी होता था क्योंकि मशीन कोड सेव होने के बाद होता था एंड इट इज़ नॉट जनरेटेड एवरी टाइम द प्रोग्राम इज़ रन और इसको हर एक बार जनरेट नहीं करना पड़ता था जब ये प्रोग्राम रन हो करते थे ठीक है एग्जाम्पल कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज का एग्जाम्पल है सी सी प्लस प्लस फॉर टैन कोबल एक्सेट्रा फॉरटन भी लाइन बाई लाइन इंटरप्रिटर बेस्ड लैंग्वेज है कोबल ठीक है कोबल होगा सी सी प्लस प्लस इज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज बट फॉरटेन को मे इंटरप्रिटर बेस्ड लैंग्वेज फॉर टन वन बाई लाइन बाई लाइन होता था ठीक है तो क्योंकि मैं फॉरटेन यूज कर चुका हूँ फॉर टन ट्रांसलेटर होता ट्रांसलेट होता था ठीक है ইন্টারপ্রিট হতে তো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান সি তো আমরা কী শিখলাম এখানে কম্পাইলার একটা হাই লেভেল প্রোগ্রাম যেটা মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেটার প্রোগ্রাম যেটা মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করে অ্যান্ড এটা পুরো প্রোগ্রামটাকে একসাথে মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে যদি সেখানে কোনো ভুল পায় তো কী করে না প্রত্যেকটা ভুলগুলোকে একসাথে ধরে দেয় এবং প্রত্যেকটা ভুল ঠিক হবার পরেই প্রোগ্রামগুলোকে এরআরফিক প্রোগ্রামটাকে এরআরফি করার পরেই ও মেশিন কোডে ট্রান্সফার করে আর মেশিন কোডটা সেফ থাকে মেশিনে ফলে বারবার ধরে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে বারবার রান করাতে হয় না আর এরকম এক্সাম্পল হলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যেটা কম্পাইলারকে ইউজ করে সি সি প্লাস প্লাস রাইট তো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে ইনপুট ইন্টারপ্রিটারর কম্পাইলার আউটপুট মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম সমঝা দিয়া গে तो यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ लास्ट वीडियो में मैं फोर्थ जेनरेशन और फिफ्थ जेनरेशन लैंग्वेज लेकर आऊँगा थैंक यू